बच्चों, आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है चैप्टर 7। वो है चैप्टर 7। चैप्टर 7 किसका बच्चों? हमारे बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट का। ठीक है, अब चैप्टर 6 जो हमने पढ़ा था वो हमने बिजनेस करस्पॉन्डेंस का मीनिंग डिटेल में समझा था। ये चैप्टर आपको बताएगा कि ई करस्पॉन्डेंस क्या होता है। बच्चों, ई करस्पॉन्डेंस क्या होता है? यहाँ पे ई करस्पॉन्डेंस से, ई से मतलब क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक से। से मतलब क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक। तो चलिए, अब बच्चों यहाँ पे ये क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं। यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, है ना, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, है ना, ये आपको इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे। हमने करस्पॉन्डेंस का मीनिंग क्या समझा था? करस्पॉन्डेंस का मीनिंग क्या समझा था? करस्पॉन्डेंस मीनिंग था बच्चों कुछ भी रिटर्न में कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट करना मतलब क्या बच्चों? रिटर्न में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना। या फिर बोलो हम क्या करते हैं, करस्पॉन्डेंस मतलब एक्सचेंज करना, कम्युनिकेट करना, एक्सचेंज करना मतलब कि मैंने मैंने इंफॉर्मेशन आपको दी, मैंने आपको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दी। अब वो चाहे बच्चों आपकी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी आइडिया हो, दैट इज करस्पॉन्डेंस। वापस से सिंपल करस्पॉन्डेंस का अगर मैं मीनिंग बोलूँ तो रिटर्न कम्युनिकेशन या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन आइडिया जो आप एक्सचेंज करते हैं सामने वाले को देते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, आप ये कैसे कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिकली। आप ये कैसे कर रहे हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉनिकली ये काम कर रहे हैं। चलिए, यहाँ पर अब कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बच्चों, इंटरनेट से रिलेटेड यहाँ पे ये सारी चीजें आपको समझाई जाएगी। तो चलो आ जाओ समझते हैं। सबसे पहला वर्ड जो हम यहाँ पर समझेंगे, दैट वॉज इंटरनेट। दैट वॉज इंटरनेट। तो व्हाट डू मीन बाय इंटरनेट बच्चों? इंटरनेट को थोड़ा सा बाइफरगेट करते हैं बच्चों। यहाँ पर मैं इंटर डैश करके मैं नेट कर देती हूँ। इंटरनेट तो हम यूज करते ही है, ठीक है, यूज हम जो इंटरनेट करते हैं वही है। लेकिन बच्चों इंटर वर्ड का मतलब क्या होता है? इंटर वर्ड का मतलब अगर मैं आपको बोलूंगी इंटरनेशनल, अगर मैं आपको क्या बोलूंगी बच्चों? इंटरनेशनल। इसको अलग अलग बाइफरगेट करते हैं, इंटर अलग करो और नेशनल अलग करो, मतलब नेशंस। तो इंटरनेशनल मतलब क्या? हमारी एक कंट्री है और बाहर के एक कंट्री है, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका, अमेरिका और इंडिया के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे, मतलब कि नेशंस के बीच में जो ट्रांजेक्शन होना, नेशंस के बीच में जो आदान प्रदान होना, ठीक है। तो इंटर मतलब क्या होता है? एक दूसरे से। अगर मैं यहाँ पे बोलूंगी इंटर स्टेट, इंटर स्टेट, तो स्टेट मतलब क्या है बच्चों? फॉर एग्जाम्पल एक MP स्टेट है, एक महाराष्ट्र स्टेट है, वो लोग जो आपस में ट्रांजेक्शन करें, तो इंटर मतलब कि दो अलग अलग स्टेट के बीच में, है ना, नेशन दो अलग अलग कंट्रीज के बीच में। नेट, तो बच्चों इस नेट का भी मतलब क्या है? इंटरनेट। इंटरनेट मतलब कि बच्चों आपको यहाँ पे जो डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पर आपको सिस्टम दिख रहे हैं। ये सिस्टम, इस सिस्टम से इंफॉर्मेशन एक दूसरे को एक्सचेंज करता है। ये सिस्टम इससे करता है, इस सिस्टम इससे करता है, इस सिस्टम मतलब कि इंटरनेट होता क्या है? इंटरनेट एक बहुत वाइडर वर्ड है जो कि सारे के सारे नेट में क्या करता है बच्चों? इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है। इंटरनेट के बिना कुछ भी नहीं होता। आज हम बच्चों क्लास पढ़ रहे हैं, आप अपने फोन से पढ़ रहे हैं, मैं अपने फोन से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक फोन से दूसरे फोन में, लेकिन इन दोनों फोन में क्या है बच्चों? इंटरनेट है, नेट है। इन दोनों फोन में क्या है बच्चों? नेट है, जिस कारण से हम क्या कर पा रहे हैं? इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर पा रहे हैं। तो व्हाट डू मीन बाय इंटरनेट? इंटरनेट एक नेटवर्क है, नेट है ना बच्चों, नेट तो पूरा उसको क्या बोलते हैं? नेटवर्क है। तो नेटवर्क है ऑफ नेटवर्क एंड इट इज यूज फॉर द मेनी एप्लीकेशन, ठीक है। इस इंटरनेट को यूज किया जाता है बहुत सारी एप्लीकेशन। इंटरनेट अलाउ करता है यू टू शेयर रिसोर्सेस। इंटरनेट आपको अलाउ करता है टू शेयर रिसोर्सेस, ठीक है, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, एंड एप्लीकेशन देता है इजिली तरीके से। टुडे टुडे इंटरनेट हैज थाउजेंड ऑफ नेटवर्क्स। आज की डेट में जो इंटरनेट है बच्चों, उसमें थाउजेंड ऑफ नेटवर्क्स है, मिलियंस ऑफ यूजर्स है। यूजर्स कौन? हम सब लोग जो यूज कर रहे हैं, यूजिंग मेनी सर्विस। हम लोग बहुत सारी सर्विस यूज कर रहे हैं इस इंटरनेट में, ठीक है, इस इंटर नेटवर्क के थ्रू। देन यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है?
ये कनेक्ट करता है, किसको कनेक्ट करता है बच्चों, मिलियंस ऑफ द कंप्यूटर टुगेदर, आपस में कितने सारे कंप्यूटर्स को टुगेदर। आप खुद सोचो बच्चों, इंटरनेट में आप कुछ भी सर्च करते हो, कुछ भी सर्च करते हो, तो वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आई, किसी दूसरे कंप्यूटर ने वो इन्फॉर्मेशन डाली। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे है ना आईटेक्स की, अगर मैं बोलूँ आईटेक इंस्टीट्यूट की एक वेबसाइट है, क्या बच्चों, एक वेबसाइट है, तो हमने अपनी एक वेबसाइट बनाई है, उस वेबसाइट में हमने आईटेक्स की फुल इंफॉर्मेशन डाल दी है। अब आपको आईटेक के बारे में कुछ भी जानना है तो आप इंटरनेट के थ्रू इस वेबसाइट में आओगे, इस वेबसाइट में सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वो यही बोलना चाह रहे हैं, इट्स कनेक्ट मिलियंस ऑफ द कंप्यूटर टुगेदर, ग्लोबली फॉर्म अ नेटवर्क इन विच एनी कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बात करता है। ठीक है, आप खुद व्हाट्सएप का मैसेज भेज रहे हो तो आप बात ही तो करो, मतलब एक मोबाइल दूसरे मोबाइल से बात कर रहा है, भले वो भेजने वाले सेंडर हम है। ठीक है, तो कंप्यूटर एज लॉन्ग एज दे आर बोथ कनेक्टेड टू द इंटरनेट। लेकिन लेकिन जब ये एक दूसरे से कंप्यूटर से मोबाइल फोन से हम जब बात करते हैं, शर्त ये है कि दोनों के पास इंटरनेट होना चाहिए। बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर या सोनू बताइए, बताइए बच्चों। हेलो, यस क्लियर है? अब बच्चों दूसरी एक चीज है बच्चों, वेब। दूसरी एक चीज है बच्चों क्या, वेब। ठीक है, अब ये वेब क्या है बच्चों, www। ठीक है, प्लीज इसका फुल फॉर्म याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। शॉर्टकट में इसको बस सिंपल है ना, लास्ट वाला जो वर्ड है वेब बस बोल दिया जाता है। तो एक्चुअल में ये पूरा का पूरा क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब कैन बी यूज। अभी मैंने आपको बताया कि इंस्टीट्यूट ने, आपके आईटेक इंस्टीट्यूट ने क्या बनाया, साइट बनाया। तो हर कोई अपनी साइट बनाता है और उसमें इंफॉर्मेशन डालता है, तो हम क्या बनाते हैं, अपना एक वेब पेज बनाते हैं। वेब हम क्या बनाते हैं, पेज बनाते हैं। इस पेज में आपको आईटेक्स की पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो वेब इज कॉल्ड एन एप्लीकेशन, ये एक एप्लीकेशन होता है जो कि रनिंग करता है इंटरनेट में। बच्चों ये जो वेबसाइट हमने बनाई अपने इंस्टीट्यूट की, किस में बनाई, इंटरनेट में। तो इंटरनेट एक वाइडर वर्ड है, ये पूरा का पूरा इंटरनेट है, इसके अंदर वेब है, इसके अंदर वेब है, इसके अंदर हमने वेबसाइट बनाई ताकि कोई भी अपने सिस्टम से ना किसी भी चीज में जिसमें इंटरनेट है उसके थ्रू वो हमारे इसको देख सकता है। इट इज वन ऑफ द सर्विस दैट रन ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट में रन होता है। वे ऑफ एसेसिंग इंफॉर्मेशन ओवर द मीडियम ऑफ इंटरनेट, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन होती है, इस इंफॉर्मेशन में आप किसके थ्रू आते हो बच्चों, इंटरनेट के थ्रू। वास्ट ओशन ऑफ द नॉलेज, इससे आपको बहुत सारे क्या मिलते हैं बच्चों, नॉलेज मिलता है। ठीक है, तो चलो ये तो हमने यहाँ पर समझ लिया। तो बच्चों प्लीज एक बार हम डायग्राम के थ्रू समझ रहे हैं, ये एक सिस्टम है, यहाँ पे आपको बहुत सारे सिस्टम दिख रहे हैं, ये सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ये एक दूसरे को इंफॉर्मेशन देते हैं, दैट इज इंटरनेट। अब यहाँ पे मैं वेब की बात करूँ तो यहाँ पे हम जो ये वेबसाइट्स बनाते हैं, सब लोगों ने अपनी अपनी ये वेबसाइट बनाई। इस सिस्टम में एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा रहे, फॉर एग्जाम्पल इस सिस्टम ने वेबसाइट बनाई है ना, आईटेक्स की इंफॉर्मेशन डाली। अब जब ये सिस्टम इस सिस्टम से कम्युनिकेट करता है, ठीक है, हमने ये इतना बड़ा बड़ा क्या बनाया, वेबसाइट बनाई, मतलब हमने इसमें क्या डाल दिया बच्चों, इंफॉर्मेशन डाल दी। इस इंफॉर्मेशन से कैसे जाएंगे, इस कंप्यूटर के थ्रू हम इस इंफॉर्मेशन तक पहुंचते हैं। बच्चों यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, यस और नो बताइए, क्लैरिटी है? यस मैम। तो बच्चों सबसे पहले आ जाओ, अब क्योंकि हमने मीनिंग समझ लिया है, इसके डिफरेंस को समझते हैं। बच्चों मैं यहाँ पे डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में ज्यादा कुछ डिटेल नहीं बताया है, तो हम यहाँ पे पहले समझ ले फिर हम जाते हैं नोट्स में। ठीक है, चलो। तो अब इंटरनेट और हमारा जो वेब है उसमें हम डिफरेंस बिटवीन समझेंगे। ठीक है, इंटरनेट एक मैसिव ग्रुप ऑफ इंटर कनेक्टेड कंप्यूटर का नेटवर्क है, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के जो नेटवर्क है उससे कनेक्ट करते हैं। अब भैया ये वेबसाइट क्या है, वेबसाइट बोलता है ये एक तरीका है, एक वेबसाइट एक तरीका होता है, वे ऑफ एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट। इसमें हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन तक पहुंचते हैं जब हम एक वेबसाइट बनाते हैं इंटरनेट के माध्यम से। चलिए, इट कंसिस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क्स, इसमें है ना इंटरनेट में ये पूरा का पूरा इंफ्रा रहता है नेटवर्क्स का, लाइक मिलियंस ऑफ द कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड।
ये जो एक दूसरे से कनेक्ट होते, बिलियन ऑफ दी कंप्यूटर्स कनेक्ट होते, वेब बोलता है भैया मैं ऐसा नहीं हूँ, वेब बस कलेक्शन करता है इंटरनेट के थ्रू डॉक्यूमेंट अदर रिसोर्सेज, वो सारी इंफॉर्मेशन का, क्लियर है? इंटरनेट में क्या होता है, इंफॉर्मेशन ट्रेवल करता है ओवर द इंटरनेट, ठीक है? यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है ये है ना ट्रेवल करता है इंटरनेट के माध्यम से थ्रू वेरियस लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। वेब बोलता है इसमें बच्चों बहुत सारी लैंग्वेज यूज होती है ना, मेनी लैंग्वेजेस इसमें यूज होती है। यहाँ बोलता है वेब यूज करता है ओनली वन लैंग्वेज, इसमें एक ही लैंग्वेज होती है जिसे हम बोलते हैं HTTP, ठीक है? इसे हम क्या बोलते हैं HTTP, आगे चलकर भी हम नोट्स में पढ़ेंगे, ठीक है? तो HTTP लैंग्वेज होती है, प्रोटोकॉल होती है विच अलाउ द डेटा ट्रांसमिशन। जब हम डेटा इस वेबसाइट में स्टोर करते हैं तो उसकी कोडिंग लैंग्वेज होती है वो होती है HTTP लैंग्वेज, एन एप्लीकेशन टू कम्युनिकेट इन ऑर्डर टू शेयर द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज द बेसिक। तो ये था हमारा इंटरनेट एंड वेबसाइट, ठीक है? यहाँ तक बच्चों समझ में आ गया क्या? यस अनु बताइए। यस मैम। चलिए मैम 2 मिनट इसको नोट कर रही हूँ। हाँ बेटा बिल्कुल नोट कर लो। अब बच्चों एक चीज और समझनी है, नेक्स्ट हेडिंग क्या है बच्चों? वेब ब्राउजर। बच्चों इंटरनेट तो हमने समझ लिया, ठीक है? अब हमने अपना वेब भी समझ लिया, अब ये एक और चीज, वेब का ब्राउजर। बच्चों वेब का ब्राउजर क्या है? ये सब नाम तो आपने सुने होंगे, इंटरनेट एक्सप्लोर, ठीक है, फायरफॉक्स, क्रोम, ठीक है, सफारी। सफारी जो भी है ना आईफोन वाले लोग हैं, आईपैड वाले लोग हैं, उन पे आईफोन अपना बनाया है, ठीक है? देन उसके बाद ओपरा हो गया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लोगों ने इसे बनाया है ना, सी मंकी हो गया, ठीक है, कैमनो हो गया, कैमनो, ये सब क्या है? कुछ सुने कुछ नहीं सुने? जो हमने सुने जैसे कि सबसे ज्यादा हम जो सुनते हैं क्रोम, फायरफॉक्स है ना, ये सब नहीं सुना है कि नहीं सुना है? इंटरनेट एक्सप्लोर बताइए, सुना है? इंटरनेट तो होना चाहिए, इंटरनेट तो होना चाहिए। अब इंटरनेट जैसे ही है आप सर्चिंग कहाँ करते हो? मैं कह रही हूँ मुझे आईटेक सर्च करना है, तो ये आईटेक आप सर्च कैसे करते हो बच्चों? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको स्क्रीन दिखा रही हूँ, ये मेरा गूगल है, ठीक है, ये मेरा गूगल दिख रहा है जैसे, ठीक है? तो यहाँ पे जो गूगल क्रोम है, ये जो हमारा गूगल क्रोम, मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं सर्च करती हूँ कि भैया मुझे आईटेक में जाना है, मुझे आईटेक में जाना है, ठीक है? तो मैंने ऐसे सर्च किया, तो जो ये है, तो ये सारी वेबसाइट्स है, ठीक है, ये आईटेक के आपके बारे में, आईटेक के बारे में डिटेल में आपको दिखेगा, ठीक है? या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट, आपके इंस्टीट्यूट के बारे में जानना है, आपका ICSI इंस्टीट्यूट है, हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा इंस्टीट्यूट का आपको क्या दिख जाएगा बच्चों, है ना, वेबसाइट दिख जाएगी जिसमें आप जाओगे। तो यहाँ पर ये जो इंस्टीट्यूट है, ये www. लिखा है, देखो साफ, इनकी अगर वेबसाइट देखोगे तो क्या लिखा है ना, www.icsi.edu। तो ये आपकी वेबसाइट है, लेकिन किस पे आप ये सर्च करते हो, या किस पे सर्च करते हो बच्चों? ये सारे वेब है ना ब्राउजर्स में ही आप, ये एक सॉफ्टवेयर होता है, ये क्या बच्चों, एक सॉफ्टवेयर होता है, समझते हैं? तो सबसे पहले इंटरनेट समझा हमने, ठीक है, इंटरनेट में है ना वेब ब्राउजर के थ्रू, बच्चों वेब ब्राउजर के थ्रू आप क्या करते हो, वेबसाइट में जाते हो, पहले बताओ, ठीक है? 3 चीजें समझ में आई, ये समझ क्लियर बच्चों? बड़े आगे चलिए, तो वेब ऑल्सो यूटिलाइज वेब ब्राउजर such as internet explorer, ये सब बस वही example दे रही थी, to access the web page। web page क्या है? वही www. जो है हमारा, that are linked to each other, ठीक है, link होते to from the web document। तो ये आपको वहां तक पहुंचाता है, तो web browser आपको वहां तक पहुंचाएगा उस page तक। तो ये 3 चीज है, पहले मुझे बताओ कि ये 3 चीज समझ में आए, तब मैं आ रही हूँ आपके notes में। clarity है यहाँ तक बच्चा? मैम मेरे को ना आपकी वॉइस नहीं आ रही थी अभी, तो आप प्लीज एक बार फिर से बता देंगे? चलिए, तो ये हमने समझ लिया कि पहले इंटरनेट, फिर वेब पेज,
वेब पेज कुछ नहीं, एक सॉफ्टवेयर है, वेब पेज एक सॉफ्टवेयर है जो आपको इस है ना सॉरी वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर है जो कि आपको एक वेब पेज तक पहुंचाता है। अब इसी चीज को बच्चों हमें हमें पढ़ना है कहाँ, आपके नोट्स में। तो चलो आ जाओ सेवन चैप्टर अब पूरा, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो फटाफट आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो सबसे पहले बच्चों मीनिंग अच्छे से समझ चुके हैं, ई करस्पॉन्डेंस पढ़ रहे हैं। तो ई करस्पॉन्डेंस मतलब क्या, जितने भी यहाँ पे हम बातें करेंगे इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे इलेक्ट्रॉनिकली करेंगे। अब यहाँ पे बोल रहे हैं भैया टुडे इज 21st सेंचुरी ग्लोबलाइज, भैया हम 21वीं शताब्दी में, तो यहाँ पे बहुत सारी टेक्नोलॉजी अब आपके सामने आ गई है। ठीक है, वे लुक फॉर द आंसर टू मोस्ट ऑफ द आर क्वेश्चन इन द वास्ट ओशन ऑफ नॉलेज कॉल हमारी वर्ल्ड वाइड वेब। आपको आज की डेट में कुछ भी जानना होता है बट तुरंत आप क्या करते हो, गूगल सर्च करते हो, यूट्यूब करते हो, यूट्यूब का सब गूगल में है। ठीक है, तो इन शॉर्ट सबसे पहले आप गूगल सर्च करते हो और उसमें किसी ना किसी वेबसाइट में वेब पेज में जाकर पहुंचते हो विद द हेल्प ऑफ वेब। ठीक है, तो ये वर्ल्ड वाइड वेब है, ये क्या है, ये एक सिस्टम है जो कि इंटरलिंक करता है बच्चों, इंटरलिंक करता है किसको, हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ये क्या हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा है ना वेब है वो क्या करता है बच्चों, इसकी वेबसाइट है ना, वेब जो है वो एक लैंग्वेज यूज करता है, उस लैंग्वेज का नाम क्या था, लैंग्वेज का नाम क्या था बच्चों, HTTP है ना, का फुल फॉर्म लिख लो बच्चों अपने नोट्स में लिख लो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो ये उस लैंग्वेज, ये क्या करता है उस लैंग्वेज में है ना, ये यूज करता है सारी की सारी इंफॉर्मेशन ताकि उस वेब पेज में आ जाए और आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वहां से ले लो। ठीक है, लिख लिया बच्चों? यस मैम। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि भैया ये वेब सिस्टम है जिसमें इंटरलिंक हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है। हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्यों बोला भैया, लैंग्वेज तो भाई हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, उन्होंने कहा कि उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करके डॉक्यूमेंट बनाते हैं। ठीक है, चलो SS होता है जिसके थ्रू हम किसके माध्यम से पहुंचते बच्चों, इंटरनेट के। ठीक है, चलिए मैंने फिर विद वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर भी हमने समझा था, वेब ब्राउजर में ही इस पेज तक पहुंचते हैं। वन कैन व्यू इस वेब ब्राउजर के हेल्प से ही हम इस पेज तक पहुंचते हैं जिसमें टेक्स्ट इमेज वीडियो कुछ भी हो सकता है बच्चों, अदर मल्टीमीडिया। ठीक है, नेविगेट अमंग दी, ठीक है, हाइपरलिंक, इन शॉर्ट इस वेब में आपके पास कुछ भी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, चाहे वो टेक्स्ट के फॉर्म में, इमेज वीडियो किसी भी फॉर्म में, ये हम किसके हेल्प से पहुंचते हैं, जिसमें इंटरनेट का भी रोल होता है। नोला भैया वेब आपको पेज में पहुंचना है तो इंटरनेट होना चाहिए, अब इंटरनेट के अलावा एक सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए, दैट वॉज वेब ब्राउजर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। अब इन्होंने कहा चलो many people use the terms, ये इंटरनेट वर्ड यूज करते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब वर्ड यूज करते हैं, लेकिन ठीक है जो कि इंटरचेंजली यूज करते हैं, बट ऐसा है नहीं, लोगों को नॉलेज नहीं है, ये सिनोनिम्स नहीं है। ये टू टर्म्स हमने पढ़े, वेब और ये इंटरनेट, आर नॉट सिनोनिम्स। सबको लगता है ये सब एक ही, लेकिन ये एक नहीं है, ये टू सेपरेट है ना थिंग है जो कि अब हम डिटेल में समझेंगे। तो आ जाइए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझेंगे वो है हमारा व्हाट डू मीन बाय वेब। वेब क्या होता है बच्चों, हम क्योंकि अच्छे से समझ में आ गया है हमें, पढ़कर आ चुके, इसमें कोई दिक्कत नहीं चाहिए। ठीक है, चलो तो वर्ल्ड वाइड वेब, सिंपली इसको वेब भी बोला जाता है। ये क्या करता है, ये एक वे है, एक तरीका है जिससे आप इंफॉर्मेशन तक पहुंच रहे हो। जैसे मैंने अभी आपको इंस्टीट्यूट की साइट दिखाई www.icsi.edu ओवर द मीडियम ऑफ द इंटरनेट, ये एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग मॉडल है। इस ICSI में आपको पता चलता है बच्चों अभी है ना, जैसे इंस्टीट्यूट ने आज ही मॉर्निंग में ही डिक्लेयर किया है कि भैया जिन बच्चों ने 8 तारीख को पेपर दिया, जिन बच्चों ने 8 मई को पेपर दिया है उनका रिजल्ट आ रहा है 20 मई को, आज ही अनाउंस कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो 20 मई को रिजल्ट आ रहा है, ऐसा अनाउंस किया है। तो ये एक वेबसाइट है ICSI जिसमें आप इंफॉर्मेशन तक पहुंचते हो, तो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया ना भैया रिजल्ट आ रहा है, एग्जाम अभी है, कब है, ये सब ये इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, चलो दैट इज बिल्ड ऑफ द टॉप ऑफ द इंटरनेट। वेब यूज द HTTP, ये वही है जिसका फुल फॉर्म हमने देखा था, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये एक लैंग्वेज होती है स्पोकन ओवर द इंटरनेट, जो इंटरनेट में यूज की जाती है वेबसाइट बनाने के लिए टू ट्रांसमिट द डेटा। वेब जो सर्विस है बच्चों, जो हमारी वेब सर्विस है वो यूज करती है ये लैंग्वेज।
ठीक है। अब बच्चों एग्जाम्पल दिया उन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि कुछ होते हैं वेब होते हैं, वेब यूज करते हैं, ऑल्सो यूटिलाइज द ब्राउजर, वेब ब्राउजर। इन्होंने एग्जाम्पल दिया बच्चों गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोर, फायरफॉक्स हो गया, ठीक है। ये क्या है, ब्राउजर्स हैं, ये क्या है ब्राउजर, इनके हेल्प से आप क्या पहुंचते हो, एक्सेस करते हो वेब डॉक्यूमेंट को। इस वेब डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, वेब पेज बोलते हैं, ठीक है। वेब डॉक्यूमेंट में सब हो सकता है, ग्राफिक, साउंड, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी हो सकता है। देन वेब इज जस्ट वन ऑफ द वे जिससे आप इंफॉर्मेशन तक पहुंचते हो, डिसेमिनेट ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट में इंफॉर्मेशन आप देते हो ताकि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक पहुंचा जा सके, ठीक है। इन्होंने एग्जाम्पल में बताया जैसे कि वेब ऑल्सो यूज द ईमेल, ईमेल भी यूज होता है, ईमेल को हम अलग से एक टॉपिक के डिटेल पढ़ेंगे। वेब इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द इंटरनेट, तो एक तरीके से ये क्या है बच्चों, इंटरनेट का पार्ट है, ठीक है। देन उन्होंने बताया कि ये बिल्कुल भी सिनोनिम्स नहीं है, शुड नॉट टू बी कंफ्यूज, ठीक है। तो प्लीज ये दो टर्म्स है, दो टर्म्स क्या, वेब और इंटरनेट, ठीक है, ये दो अलग अलग वर्ड्स है, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। बच्चों यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर, यस और नो बताइए बच्चा। यस मैम, ठीक है चलो। अब इन्होंने कहा कि भैया ब्राउजर भी समझ लो अलग से, चलिए हम समझते हैं, हम तो कैसे समझ चुके हैं, है ना। तो वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, एग्जाम्पल वही क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोर, फायरफॉक्स, अनेबल यू टू फाइंड, जिसके थ्रू अभी मैंने सर्च किया ना गूगल क्रोम में जाकर, मैंने सर्च किया मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जिससे जिससे आप फाइंड करते हो या फिर रिट्रीव करते, रिट्रीव मतलब रिकवर करते हो, मतलब आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वापस लेकर आए, या फिर आप डिस्प्ले करते हो इंफॉर्मेशन अवेलेबल, जो इंफॉर्मेशन कहाँ पे है अवेलेबल है ना इस वेब में। ब्राउजर ऑल्सो ऑल्सो अलाउ यू टू ट्रैवर्स, ट्रैवर्स मतलब क्या होता है, मूव मतलब ट्रांसफर करना, मूव ट्रांसफर करना इंफॉर्मेशन रिसोर्स ऑन द वेबसाइट, ठीक। यहाँ पर इसकी एक लैंग्वेज होती है बच्चों, वेब ब्राउजर की जो लैंग्वेज होती है वो होती है HTML। इसका फुल फॉर्म क्या है बच्चों, HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एग्जाम में पूछा जा सकता है, वेब में यूज होने वाली बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं वेब में यूज होने वाली क्या है, तो HTTP, याद रखना बच्चों ये सब कुछ टेक्निकल वर्ड्स है, स्कूल टाइम में थोड़ा बहुत हम पढ़ते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी हम पढ़ रहे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, थोड़ा बहुत ही। और वेब ब्राउजर पूछा जाएगा बच्चों, ब्राउजर में कौन सी लैंग्वेज, HTML, याद रहेगा एग्जाम में पूछा जा सकता है वेब और ब्राउजर में, ठीक है। लैंग्वेज कौन सी यूज होती है, कंफ्यूज मत होना, प्लस फुल फॉर्म भी याद रहना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे बच्चों, HTML बोला। अब वेब ब्राउजर इज कन्वर्ट, ठीक है, ब्राउजर कन्वर्ट करता है, HTML टैग्स बनाता है एंड देयर कंटेंट, ठीक है, डिस्प्ले होता है उसी की हेल्प से। चलिए यहाँ पे कुछ पॉपुलर वेब ब्राउजर के एग्जाम्पल दे रखे हैं जो अभी हम पढ़ चुके हैं, गूगल क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोर हो गया, मोज़िला फायर हो गया, है ना, सफारी, ओपरा, ये सब एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हमारा वेब ब्राउजर, ठीक है, का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, ठीक है। चल अब इन्होंने यहाँ पे बोला है कि कुछ इंफॉर्मेशन दी है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है अबाउट, ठीक है, इसके बारे में, सम ऑफ दीज इंटरैक्शन बटन। बच्चों जब आप यूज करते हो वेब ब्राउजर, ब्राउजर यूज करते हो तो उन्होंने कहा भैया कुछ बटन होते हैं, ये सब बटन वही है जो हम है ना यूज करते रहते हैं, बैक बटन होता है, फॉरवर्ड बटन होता है, आगे जाने का, पीछे जाने का, ठीक है। तो बैक बटन यूज बाय यू गोइंग बैक, बच्चों प्रीवियसली विजिट वेब पेज, है ना, आप देखते हो कि नहीं मुझे पुराने वाले पेज में जाना है या फिर उस वाले पेज में जाना है, तो ये बस वही बोलो, फॉरवर्ड बटन यूज करते हो विजिट नेक्स्ट पेज में जाने के, सिंपल बात है, ठीक है। देन फिर उन्होंने बोला एक टैब होता है, एड्रेस बार होता है, रीसेंट हिस्ट्री, रिफ्रेश, स्टॉप, होम, सर्च। बच्चों जब आप अपना क्रोम खोलते, ब्राउजर खोलते, ठीक है, इस ब्राउजर में ये सारे वर्ड्स होते हैं। चलिए मैं एक बार खोल रहा हूँ वापस से। बच्चों ये क्या है, ये मैंने क्या खोला है, गूगल क्रोम खोला है। आपको आपको नीचे बच्चों सबसे नीचे आप देख रहे होंगे मेरे स्क्रीन में, ठीक है, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, सबसे नीचे आप देखोगे ड्राइव, यूट्यूब दिख रहा है बच्चों, यूट्यूब, यूट्यूब yes, का कहते हैं आपको देखा, उसके बाद में गूगल, और उसके बाजू में जो दिख रहा है ना एक घड़ी जैसा बना है वो सफारी है, सफारी मतलब ये मैंने क्लिक किया, ये सफारी है। तो सफारी भी एक सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये आईपैड है इसलिए इसमें सफारी मिल रहा है, तो ऐसे ही हमारे इसमें गूगल भी रहता है, ठीक है। चलो तो मैं गूगल दिखा रही हूँ क्योंकि चलाते हैं। अब इन्होंने बोला यहाँ पर
आपको स्क्रीन में, इसमें बोला कि आप टाइप कर सकते हो, ठीक है, आप बैक बटन में जा सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मुझे है ना, मैंने यहाँ पे लिखा आईटेक्स लिखा, ठीक है, ये आईटेक्स बटन आया, तो ये सिंपल सिंपल बातें बता रहे हैं कि भैया आपको बैक जाना है, मेरे पास बटन है, मैं बैक चलेगी, मैं तुरंत आईसीएसआई में चलेगी, ठीक है, मुझे आगे जाना है तो मैं वापस आईटेक्स में आ गई, तो ये कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, ठीक है, यहाँ पे बटन था। इन्होंने बोला एड्रेस बार है, जो भी लिखना है यहाँ पे लिखो, आपको जिस तक पहुंचना है, जिस वेबसाइट तक पहुंचना है आप यहाँ पर लिखिए। देन इसके बाद इन्होंने क्या बोल रखा है बच्चों, रिसेंट हिस्ट्री, हिस्ट्री जाना है तो बच्चों ये पूरी हिस्ट्री, पूरी हिस्ट्री है, ये पूरी हिस्ट्री है ना, इस हिस्ट्री में आप कुछ भी देख सकते हैं। देन इसके बाद है ना, इन्होंने बोला है होम पेज, नीचे बच्चों होम पेज होता है, ठीक है, हालांकि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, मे बी आपको एक होम जैसा बना रहता है, तभी अपने इसमें देखना, ठीक है। सर्च जो है, तो ये सब उन्होंने बस बता दिया आपको, तो चलो जो एक बार ऊपर से रीड कर ले क्या क्या बोल रहा है। टैब क्या बोलते हैं, अलाउ यू टू व्यू मल्टीपल वेब पेज, ठीक है, सेम ब्राउजर विदाउट ओपनिंग अ न्यू ब्राउजर सेशन। एड्रेस क्या होता है, यूआरएल बार होता है, प्लेस, यहाँ पे आपको कुछ भी लिखना है, ठीक है, वेब पेज में आप एड्रेस डायरेक्ट लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल आपको वेबसाइट बनानी है तो डायरेक्ट लिखो www.icsi.edu, एग्जैक्ट वहीं तक पहुंचेगा, ठीक है। आपको हिस्ट्री देखनी है, आप हिस्ट्री देख सकते हैं, प्रीवियसली विजिट जिसमें तुम थे। रिफ्रेश करना है ना कि भैया कुछ चेंजेस आए तो रिफ्रेश कर सो, तो रीलोड होता है वापस। देन स्टॉप करना है तो कैंसिल कर सकते हो उस लोडिंग को। होम पेज जाना है तो ब्रिंग यू बैक, जो आपका होम पेज है जिसमें बहुत सारी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। सर्च, जिसमें भी हम सर्च करें, एक बॉक्स होता है जिसमें आप कुछ भी सर्च करके वहां तक पहुंच सकते। यहाँ पर ये हमारा ब्राउजर होता है। ओवर, कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों, यस और नो बताइए, क्लैरिटी है? यस मैम। अब हमने वेब पेज देख लिया, देन ब्राउजर देख लिया, अब बच्चों ये इंटरनेट, इंटरनेट अगर आपने ध्यान दिया होगा सबसे पहले इंटरनेट है, इंटरनेट के बाद क्या है बच्चों, ब्राउजर है, देन इसके बाद क्या है बच्चों, वेब है, ऐसा ही है ना, या सुनो पहला दूसरा तीसरा। लेकिन जब इन्होंने हमें समझाया तो इन्होंने पहले वेब समझाया, तो बोला इस वेब तक पहुंचने का रास्ता क्या है, ब्राउजर का है, और ये ब्राउजर एप्लीकेशन तभी काम करेगा जब आपके इसमें इंटरनेट होगा, ठीक है। तो इसीलिए पहले मैंने आपको अच्छे से इंटरनेट, ब्राउजर, वेब पे समझा दिया, अब बस आपका इंस्टीट्यूट थोड़ा सा पीछे से आपको समझा रहे, ठीक है। चलो तो अब आते हैं हम किस टॉपिक में, हमारा इंटरनेट। व्हाट यू मीन बाय इंटरनेट, इंटरनेट का मीनिंग हम अच्छे से पढ़ चुके, तो बस रीड करना। आइए, इंटरनेट जो है ये नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स से यूज फॉर मेनी एप्लीकेशन, इंटरनेट अलाउ यू शेयर द रिसोर्स एप्लीकेशन इन ईच केस। इंटरनेट कैन कैरी एनी डिजिटल सिग्नल, यहाँ पे टेक्स्ट, ग्राफ, साउंड, वीडियो, एनिमेशन, कुछ भी आप बच्चों लेकर आ सकते हो, ठीक है। चलिए, टुडे इंटरनेट हैज अ थाउजेंड्स ऑफ नेटवर्क्स एंड मिलियंस, आज की डेट में थाउजेंड मिलियंस लोग हैं जो उसको यूज करें, मेनी सर्विस यूज करें। इंटरनेट एक मैसिव नेटवर्क है बच्चों, नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके पास, ये कनेक्ट करता है मिलियंस ऑफ कंप्यूटर टुगेदर ग्लोबली फॉर्म, बच्चों ये सब रीड किया था हमने, एनी कंप्यूटर कम्युनिकेशन, एनी अदर कंप्यूटर, बोथ दी कनेक्टेड, लेकिन दोनों में इंटरनेट होना चाहिए, रीड कर चुके हैं सब। इंफॉर्मेशन दैट इज ट्रेवल ओवर द इंटरनेट डज वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन, जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि भैया कि यहाँ पे मेनी लैंग्वेजेस है ना यूज होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोटोकॉल। इंटरनेट यूज करता है TCP/IP, बेसिक उसका जो प्रोटोकॉल है वो ये है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे वो यूज करता है, लेकिन जो उसका बेसिक है वो ये वाला है, ठीक है। चलो तो बच्चों अब यहाँ पे अगर मैं ये बोलूं, नीचे उन्होंने बच्चों यही बोल रखा है, द टर्म इंटरनेट, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। क्या कंफ्यूज होते हैं कि भैया ये दोनों सेम है क्या, लेकिन नहीं, ये अलग अलग है, है ना, डिफरेंट है। इंटरनेट एक ग्लोबल सिस्टम है जो कि इंटरनेट कनेक्ट करता है कंप्यूटर को, और वेब क्या है बच्चों, ये एक सर्विस है जो कि रन करती इंटरनेट में, ठीक है। वेब का काम क्या है, वेब का काम इन्होंने बताया भैया, वेब का काम है कलेक्शन ऑफ टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट अदर रिसोर्सेज, ठीक है, जो कि हाइपरलिंक के थ्रू करते हैं, ट्रांसमिट करता है, ब्राउजर के थ्रू हम जाते हैं, ठीक है। जब हम व्यू करते हैं वेब पेज, नॉर्मली बिगिंस आइदर द टाइपिंग URL, ठीक है, ये होता है कोड जो हम इसमें यूज करते हैं पेज तक पहुंचने के लिए, ठीक है। हाइपरलिंक टू दैट पेज एंड रिसोर्स, वेब ब्राउजर इनिशिएट करता है सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन मैसेज, ठीक है। देन यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि जब भी हम कोई लेटर रिटर्न करते हैं बाय वन पार्टी टू अनदर, दी आंसर इज मेक ना कॉल्ड दी करस्पॉन्डेंस। अब फाइनली इन्होंने कहा भैया ये है हमारा ई करस्पॉन्डेंस,
ठीक है, तो अभी उन्होंने पहले डिटेल में बताया ये तीन वर्ड, इंटरनेट, ब्राउजर और वेब, क्या इन तीनों में कोई भी कंफ्यूजन, तब हम नेक्स्ट टॉपिक है ना ई करस्पॉन्डेंस पे आएंगे। यहाँ तक क्लैरिटी है बच्चा लोग? यस मैम।